पारिवारिक विवाद में दो सालों से अलग रह रहे पति पत्नी का मिलन लोक अदालत में हो गया। अधिवक्ताओं और जजों ने दंपति के बीच सुलह करवाया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और साथ जीने मरने की कसम खाई। बरसों के विवाद मिनटों में सुलझाने और कानूनी दुश्मनी को सुलह में तब्दील करने बीते दिन लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें दो सालों से पारिवारिक विवाद में अलग रह रहे पति पत्नी एक हो गए। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाई तो वहीं दोनों पक्षों के अधिवक्ता और जजों ने समझौते का हाथ बढ़ाते हुए पौधा भी भेंट किया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक साथ अपने घर रवाना हुए और सात जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई। ये मामला नीमच इंदिरा नगर निवासी पवन आर्य और सर्वान्या महाराज निवासी अनीता उर्फ गुड्डी के बीच का है। पारिवारिक विवाद के चलते दोनों मियां बीवी बीते दो सालों से अलग रह रहे थे, जिस पर अनीता ने अपने अधिवक्ता रविंद्र जैन के माध्यम से घरेलू हिंसा का वाद दायर कर रखा था, तो वहीं पवन आर्य की तरफ से अधिवक्ता राजकुमार जहांगीर शाह पैरवी कर रहे थे। अलग रह रहे दंपति का विवाह साल 2016 में हुआ था, जिस पर घरेलू मामूली विवाद में दोनों अलग रह रहे थे, जिसके बाद एक माह पूर्व दोनों पति पत्नी ने साथ रहने का फैसला किया और लोक अदालत में समझौता पेश किया। वर्ष 2016 में जो पवन है, इसकी शादी गुड्डी भाई और अनिता के साथ हुई थी सर्वान्या महाराज में। उसके बाद साल दो साल से ठीक रहा, लेकिन उसके बाद इनके बीच थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते ये अलग अलग रह रहे थे। और अलग अलग रहने के दरमियान अलग अलग मामले न्यायालयों में चले हैं। घरेलू हिंसा का भी मामला था, 125 का भी मामला लगा, धारा 9 का भी मामला चला। अंततः इनका क्या एक माह पूर्व, एक डेढ़ माह पूर्व समझौता हो गया और समझौते के बाद दोनों ने साथ साथ रहना तय किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ने साथ साथ रहना तय किया, क्योंकि अक्सर देखने में आया कि विवाद होने के बाद अलग अलग रहने की बात बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है इन दोनों का कि इनने साथ साथ रहने का प्रयास किया और 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद से ये दोनों साथ साथ रह रहे थे। और आज प्रकरण का जो निराकरण है इनका, वो राजीनामे के प्रकाश में हो गया है। ईश्वर से यही कामना है कि ये अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल ज़िंदगी इनकी रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं आज लोक अदालत के माध्यम से फैसला आया? अच्छा महसूस कर रहे हैं, फैसला भी अच्छा हुआ और साथ करें लिए तो आज मैं साथ निभाएंगे साथ। और अब आप मिलजुल कर रहेंगे? जी बिल्कुल, नहीं है साथ।